आज होगी परीक्षा पे चर्चा, पीएम मोदी सुबह 11 बजे होंगे छात्रों से रूबरू। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर घमासान जारी, जेएनयू में आयसा एसएफआई समेत लेफ्ट संगठन के छात्रों का प्रदर्शन, जामिया के छात्रों को हिरासत में लेने का विरोध। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सभी क्लास बंद रहेंगी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया आदेश। जेएनयू में एबीवीपी छात्रों ने किया सरस्वती पूजा का आयोजन, लेफ्ट संगठन के छात्रों ने की नारेबाजी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की मांग, एसएफआई के छात्रों ने दिखाई विवादित डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री को लेकर बढ़ा विवाद, केरल कांग्रेस ने राज्यभर में दिखाई डॉक्यूमेंट्री। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन का बयान, विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ साजिश, गवर्नर ने ब्रिटिश सरकार को भी घेरा। डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले राजस्थान के सीएम। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अशोक गहलोत, फिल्म को रोकना चौथे स्तंभ के लिए सही नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना, छात्र करेंगे स्क्रीनिंग, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी होगी स्क्रीनिंग। पुंछ में पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम के घर के पास मिला ग्रेनेड, इलाके में तलाशी अभियान शुरू। गुजरात के सूरत में एक कार शोरूम में भीषण आग लग गई, आसमान में दिखी आग की लपटें, कई गाड़ियां इसकी जद में आई। गणतंत्र दिवस के मौके पर लद्दाख के करगिल में जवानों ने की परेड, भारी बर्फबारी और ठंड के बाद भी शामिल हुए लोग। गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की भी दिखी झांकियां, डीआरडीओ समेत 6 मंत्रालयों और विभागों ने परेड में हिस्सा लिया। कर्तव्य पथ पर परेड में पहली बार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी को भी किया गया शामिल, झांकी के जरिए नशा मुक्त भारत का दिया संदेश। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखा महिला शक्ति का प्रदर्शन, पहली बार सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवारों में नजर आई महिलाएं, 12 महिला जवानों ने लिया हिस्सा। 74वें गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी टैंकों का भी दमखम दिखा, अर्जुन वज्र टैंक भी परेड में दहाड़े। सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को दी मिठाइयां, जवानों ने हाथ मिलाकर दी शुभकामनाएं। इंदौर में फिल्म पठान का विरोध, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दूसरे समुदाय के लोगों पर विवादित नारे लगाने का आरोप। केरल के सीएम पिनराई विजयन का आरएसएस पर आरोप, बोले अल्पसंख्यकों को देश का दुश्मन मानता है संघ। बिहार में मदरसों की जांच पर राजनीति गर्म, मंत्री जवा खान बोले सारे मदरसे गलत नहीं हो सकते, विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। मदरसों की जांच के आदेश पर बोले सीएम नीतीश, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे देखा जाएगा। इंद्र कुशवाहा पर बोले नीतीश कुमार, ट्वीट की जगह पार्टी फोरम में रखें अपनी बात। दिल्ली में अगले कुछ दिन बादल छाए रहने की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को हो सकती है हल्की बारिश। जयपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है, 28 और 29 जनवरी को राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम, ग्वालियर भोपाल समेत कई जिलों में बारिश के आसार, सागर में छाया रहेगा घना कोहरा। भारत बायोटेक की निजल कोविड वैक्सीन आयन कोवोवैक लॉन्च, भारत की पहली निजल वैक्सीन है ये, प्राइमरी और बूस्टर दोनों तरीकों से लगाई जा सकेगी ये वैक्सीन। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने पर सपा नेताओं ने कहा ये तो पहले ही मिल जाना चाहिए था, डिंपल यादव ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। लखनऊ अपार्टमेंट हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 3, एक और महिला का शव बरामद। गाजियाबाद में नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी पकड़ी गई, दोनों लोग गिरफ्तार, टोल टैक्स बचाने के लिए गृह मंत्रालय का स्टिकर भी लगवाया। एक बार फिर विवादों में घिरा एएमयू, तिरंगा फहराने के बाद कुछ छात्रों ने लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, दोनों लोग पंचर बनवाने जा रहे हैं। बलिया में फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त उत्साह, शीश महल सिनेमा में उत्साह के दौरान ही आपस में भिड़े दर्शक। बाराबंकी के मदरसे में तिरंगे की जगह फहराया गया इस्लामिक झंडा, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, दो लोग हिरासत में लिए गए। मुजफ्फरपुर में चलती बाइक में लगी अचानक आग, बाइक सवार ने कूद कर बचाई जान। पाली के खेत में जमा पराली के ढेर में लगी आग, लकड़ियों में भी जबरदस्त आग लगी, चारे का ढेर जलकर खाक।
कानपुर में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल, भीड़ के बावजूद राइडर करता रहा स्टंट, कुछ ही दूरी पर थी पुलिस की चौकी। सागर जिले में ट्रेन के सामने युवक ने सुसाइड किया, आंखों पर पट्टी बांधकर कूदा, मौके पर ही मौत। एमपी के विदिशा में 10 से 12 फीट के मगरमच्छ और अजगर का रेस्क्यू किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपा गया। नोएडा में एसयूवी का खतरनाक स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां, जांच में जुटा पुलिस विभाग। तमिलनाडु के डिंडीगुल मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, समारोह में यज्ञ और पूजा की गई। राजस्थान के भरतपुर में वैन में लगी आग, सिलेंडर में गैस भरने के दौरान हुआ हादसा, वैन जलकर खाक। राजस्थान के कुचामन में वन विभाग की टीम की गाड़ी से मौत के मामले में हंगामा, वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। कोटा में कांग्रेस के हाथ में हाथ जोड़े जोड़ो अभियान का आगाज, अभियान में उतरे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता। राजस्थान के बांसवाड़ा में नहर से पानी पिलाने को लेकर हुआ विवाद, बुजुर्ग दंपत्ति पर किया जानलेवा हमला, एक महिला गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के सीकर में निकाली गई ट्रैक्टर रैली, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन। जयपुर में अवैध शराब फैक्ट्रियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, जेडीए चलाएगा बुलडोजर। एमपी के छतरपुर में युवक के साथ दिन दहाड़े मारपीट, 6 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के जबलपुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत, 2 महीने तक प्रदेश भर में चलेगी ये यात्रा। आगरा में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, लोगों को ठंड से राहत नहीं, जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे लोग। भोपाल के तालाब में मिला बीयूएमएस स्टूडेंट का शव, प्रारंभिक जांच में पुलिस को सुसाइड की आशंका, 2 दिन से लापता था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 योजनाओं की घोषणा की, नर्मदा नदी के घाटों को विकसित करने का भी वादा किया। बिहार के बेगूसराय में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 बच्चे जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस, सख्त कार्रवाई के संकेत। बिहार के मुजफ्फरपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, 351 फीट के झंडे के साथ शहर में घूमे सैकड़ों युवा। बिहार के सीतामढ़ी में करंट लगने से युवक की मौत, बचाने के क्रम में 2 लोग भी हुए घायल, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। बिहार के जहानाबाद में ट्रक से टकराई बाइक, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की छापेमारी में बड़ी कामयाबी, ट्रक से लाखों रुपए का गांजा बरामद, आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। बिहार के बांका में तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार, बाल बाल बची लोगों की जान, अस्पताल में से मिली छुट्टी। बिहार के नवादा में भाइयों के झगड़े में बीच बचाव करना पड़ा महंगा, बुजुर्ग को गोली मारी, अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ा। झारखंड के पलामू जिले में कार ने 5 लोगों को कुचल दिया, सभी की मौत, लोगों ने कार ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, जल्द चुना जाए मेयर, एल्जर मैन को वोट डालने से रोकने की मांग। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली बीजेपी का हमला, कहा दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है आप। दिल्ली के द्वारका में ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हत्या पर रोष, सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, दोषी को पकड़ने की मांग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, गढ़चिरौली पुलिस के काम की हुई तारीफ, जनता का बढ़ा भरोसा। मुंबई से सटे अलीबाग में QR कोड से होगी घरों की पहचान, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत में पहला प्रयोग, घर बैठे चुका सकेंगे पानी का बिल। मुंबई में 29 जनवरी से 4 फरवरी तक पानी की किल्लत हो सकती है, मरम्मत कार्य की वजह से मुंबईकरों को हो सकती है परेशानी। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने शिरडी में साईं के दर्शन किए, कहा 40 साल से जनसेवा में सफाई की जरूरत नहीं। बीती रात मुंबई के कुर्ला इलाके में वायर फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मिलकर पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पर महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष सेलार ने उठाए सवाल, कहा उनकी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सांसदों की बुलाई बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की संभावना, बजट सत्र को लेकर भी हो सकती है बात। पुणे में बीती रात से टोरंट कंपनी के डीलर्स ने सीएनजी पंप बंद रखने का किया ऐलान, पुणे के ग्रामीण इलाकों में बंद का ज्यादा दिख सकता है असर। नागौर में निर्मम हत्या का खुलासा, 8 महीने के बच्चे को उतारा मौत के घाट, गांव वालों ने पुलिस को सौंपा आरोप। गणतंत्र दिवस के मौके पर सतना केंद्रीय जेल से 15 कैदी आजाद, महिला बंदियों को भी रिहाई मिली। मथुरा में बसंत पंचमी के साथ शुरू हुई ब्रज की होली, बांके बिहारी के साथ भक्तों ने खेली होली। राजभवन में यूपी की कबड्डी टीम सम्मानित हुई, सीएम योगी ने दिया 22 लाख का चेक। ओमान में हैरान कर देने वाली तस्वीर, पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं स्थानीय लोग। दक्षिण कोरिया में भी देखा खूबसूरत नजारा, सियोल में हुई बर्फबारी, 5 सेंटीमीटर तक जमी बर्फ।
चीन के पूर्वोत्तर हिस्सों में कड़ाके की ठंड, कुछ हिस्सों में -10 डिग्री तक गिरा पारा। जापान में भी हो रही है भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, लोगों का चलना हुआ मुश्किल। अफगानिस्तान में ठंड का कहर, 15 दिन में गई 160 लोगों की जान। टर्की में एक यात्री बस बेकाबू होकर झील में गिरी, बस के झील में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने की छापेमारी, नया वीडियो सामने आया, इजरायली सैनिकों ने की 9 फिलिस्तीनियों की हत्या। यूएनएससी की बैठक में युद्ध को खत्म करने की अपील, हंगरी के विदेश मंत्री ने की बैठक में ये मांग। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, 57 लोग घायल। पैराग्वे में जमीनी अधिकारों की लड़ाई, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों के बाहर दिया धरना। इसराइल में यहूदी नरसंहार को किया गया याद, एआई के जरिए तस्वीरें दिखाई गई। फ्रांस में नई पेंशन योजना का विरोध, कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप प्रभावित। यूक्रेन के ओडेसा शहर में पानी की किल्लत, बिजली की सप्लाई बंद, हमलों के बाद बिगड़े हालात। कीव में रूस के हमले जारी, रूस ने दागी मिसाइल, हमले से पावर ग्रिड को हुआ नुकसान। यूक्रेनी सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो, फुटेज में दिखी बाखमुत शहर की तबाही। बेलारूस और रूस का साझा युद्ध अभ्यास, बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। क्रीमिया पुल के सुधार का काम जारी, रूसी मिसाइल हमले में टूटा था पुल। इजरायली सेना ने की 3 फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या, हमले में कई लोग घायल हुए। इराक के पीएम का फ्रांस दौरा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात। मैच से पहले भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम पहुंचे एमएस धोनी, सभी खिलाड़ियों से की मुलाकात। आज भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला T20 मैच, पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। आज अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का सेमीफाइनल, भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। 2022 के ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए बाबर आजम, बाबर ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी जीता अवार्ड, मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल का फाइनल, जीत के इरादे से उतरेगी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी। हॉकी वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की जीत, टीम इंडिया ने जापान को 8-0 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने दागे गोल। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।